अगर आप भी मेरी तरह एक नॉर्थ इंडियन हो और खरा टैलेंट ढूंढते हो एक्टिंग में, तो बॉलीवुड के सिक्स पैक एब्स वाले एक्टर को साइड रखना होगा और साउथ इंडस्ट्री के उन एक्टर्स को देखो जिनके अंदर एक्चुअली इतना टैलेंट है कि उनको इन सब लुक्स की, इन सब सिक्स पैक एब्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो तेलुगु मूवी राइटर पद्म भूषण, ये फिल्म का नाम है, और इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा अभी से कुछ देर पहले, जब मैं ट्विटर पर बहुत सारे अपडेट्स देख रही थी कि फिल्म के ट्रेलर को ऑलरेडी 3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। एंड दिस फिल्म इज स्टारिंग सुहास एंड आशीष विद्यार्थी सर, और साथ में जितनी भी स्टारकास्ट है, एनसेंबल है, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने शायद कलर फोटो मूवी का नाम सुना होगा, ये तेलुगु मूवी थी और इसको नेशनल अवार्ड मिला था। बहुत ही स्वीट मूवी थी, मैंने इस मूवी का रिव्यू किया था इसको देखने के बाद, एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि उसको देखने के बाद मुझे सुहास के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी कि ही इज, दीज आर फ्यू दोज एक्टर्स जिनको पब्लिक ने हीरो बनाया है, जिनको पब्लिक ने एक्चुअली समझाया है कि आपको किसी लुक की, किसी रंग रूप की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो टैलेंट है वो ही काफी है। तो इन्हीं की ये फिल्म आ रही है, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड काइंड ऑफ अ कॉमेडी, कॉमेडी रोम कॉम कह सकते हैं, और मुझे इस टाइप की मूवीज बहुत पसंद है। 3rd February को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। आई होप कि हमारे एरिया में आसपास ये मूवी जरूर जरूर रिलीज हो, क्योंकि मुझे ये मूवी देखनी है। इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एक्चुअली लग रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी फैमिली मूवी। बहुत सारी कॉमेडी जैसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। आशीष विद्यार्थी सर वैसे ही इतना बड़ा नाम है, ना सिर्फ एक्टिंग में, अब तो वो यूट्यूबर भी बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो जेन्युइन एक अप्रोच दिख रही है इस फिल्म में, मजा आ रहा है देखकर, और मैं उनके वैसे भी काम को बहुत पसंद करती हूं। लेकिन सुहास को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि सुहास को हमने कलर फोटो में सेमी, आप कह सकते हैं कि सीरियस से रोल में देखा था, एक लवर बॉय के रोल में देखा था, वो भी एक ऐसा रोल था लेकिन उसमें एक सीरियस कहानी थी। लेकिन मैं इनको पसंद करती हूं साई श्रीनिवास अथरिया में, जब मैंने इनकी कॉमेडी देखी थी, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है। तो सुहास की ये फिल्म को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे, हमारे नॉर्थ इंडिया में भी ये फिल्म रिलीज हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि या तो हिंदी डबिंग या फिर सब टाइटल्स के साथ आप इसको रिलीज कीजिएगा, ताकि आपको जो यहाँ की ऑडियंस है वो देख पाए। ऑल इन ऑल अमेजिंग टू वॉच, अमेजिंग सॉन्ग जो राइटर पद्म भूषण का जो एंड में आ रहा है, मजा आ रहा है देखकर, और मुझे लगता है कि इस टाइप की मूवीज और आनी चाहिए और ऐसे ही एक्टर्स को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा, मैं इसका ट्रेलर वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, इसको ट्रेलर को जरूर देखिएगा और मुझसे अपना कॉमेंट शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, कैसा लगा ये ट्रेलर और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। सो बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स कॉल्ड स्टोरी। थैंक्स शेयर।